Welcome back. Next question is 5.8. तो क्वेश्चन के लिए प्लीज आप लोग बुक रिफर कर लीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कूलिंग वाटर कूलिंग टावर है ना, जिसमें कि वाटर को एयर के हेल्प से हम उसको कूल करेंगे। तो इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक स्कीमेटिक कूलिंग टावर हम लोग बनाते हैं। इसमें ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटिव डायग्राम है। दिस इज ग्राउंड लेवल। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये एयर फ्लो है, मीन्स ये एयर का एंट्री पॉइंट है, मतलब कि इनलेट इनलेट पॉइंट ऑफ एयर। इसमें क्या कंडीशन दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है इनलेट पॉइंट ऑफ एयर की, ये इस ग्राउंड से 1 मीटर है। तो दैट मीन्स Z1A इज इक्वल टू 1 मीटर। और क्या दिया हुआ है कि इसकी जो वेलोसिटी है, जो एयर की जो फ्लो हो रहा होगा इनलेट पॉइंट पे, C1A ये दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और जो टेम्परेचर है T1A ये दिया हुआ है 30°C। क्लियर। और जो एयर जो आउटलेट पे जो होगा, मतलब कि जिस पॉइंट पे एयर इस कूलिंग टावर से बाहर आ रहा होगा, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है इस ग्राउंड लेवल से, ये मीन्स Z2A ये दिया हुआ है 7 मीटर। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है एयर की C2A ये दी हुई है 30 मीटर पर सेकेंड। और जो टेम्परेचर है T2A वो कितना दिया हुआ है 70°C, है ना, मतलब कि जो टेम्परेचर है एयर का वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है वाटर के लिए कि वाटर जो है वो कहीं यहाँ से इंटर कर रहा होगा, वाटर और यहाँ पर जो कंडीशन दिया हुआ है कि इसकी जो हाइट है वो इस ग्राउंड से 1W ये क्या दिया हुआ 8 मीटर। क्लियर। और जो इसकी जो वेलोसिटी है मीन्स C1W ये दिया हुआ 3 मीटर पर सेकेंड। और जो टेम्परेचर है T1W ये दिया हुआ 80°C, है ना। ये हो गया मतलब कि इनिशियल स्टेट ऑफ वाटर, दिस इज इनिशियल स्टेट ऑफ एयर और एंड दिस इज फाइनल स्टेट ऑफ एयर। अब वाटर का फाइनल स्टेट क्या होगा, वाटर जो है वो यहाँ कहीं से बाहर आ रहा होगा, सॉरी, दिस इज वाटर। तो यहां पर जो इसकी जो हाइट है ग्राउंड से
मीन्स जेड टू डब्लू, ये दिया हुआ है 0.8 मीटर। और जो वेलोसिटी है सी टू डब्लू, ये दिया हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। और जो टेम्परेचर है टी टू डब्लू, ये 50 डिग्री C है ना। मतलब कि वाटर जो है वो कूल हो रहा है और एयर जो है वो हीट हो रहा है। और यहाँ पर इसके अंदर में क्या मैकेनिज्म हो रहा है उससे हमको कोई, हम लोगों को यहाँ पे कोई मतलब है नहीं, है ना। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम इस पर किसी तरीके का कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। अंदर क्या हो रहा होगा, बस हमें सिर्फ ये पता है कि वाटर जो है वो कूल हो रहा है और एयर जो है वो हीट हो रहा है ना। एयर और वाटर के बीच किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना इसको उसका यहाँ कोई ज़रूरत है। क्लियर। और ये जो कूलिंग टावर जो है ये इंसुलेटेड है, मीन्स हीट का जो ट्रांसफ़र है वो सराउंडिंग में वो ज़ीरो होगा। एक तरीके से एडियाबेटिक हम एज्यूम कर सकते हैं, जिसका जो वॉल जो होगा ये एडियाबेटिक होगा। कूलिंग टावर क्लियर। तो यहाँ पे और एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक फैन लगा हुआ है, वो फैन क्या कर रहा है कि इस एयर को इस कूलिंग टावर में सर्कुलेट कर रहा है। और जो फैन जो है वो कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, फैन पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली कूलिंग टावर पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। मीन्स डब्ल्यू डॉट इज इक्वल टू 2.25 किलो वाट, है ना। मीन्स जूल पर सेकंड के रूप में हमारा ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। क्लियर। तो कैलकुलेट क्या करनी है, एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है सी पी ए, मीन्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, स्पेसिफिक हीट सॉरी कैपेसिटी नहीं, हीट ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.005 किलो जूल पर केजी, एंड सी पी डब्ल्यू इज इक्वल टू 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन, है ना। यहाँ पे केल्विन भी होगा। ये एक और दो इन्फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ना। इसको हम लोग यूज़ करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है, टू कैलकुलेट एम डॉट ए, मीन्स मास फ्लो रेट ऑफ एयर फॉर एम डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर सेकेंड, है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से जो वाटर का जो फ्लो है वो 1 kg/s है, तो यहाँ से एयर का फ्लो कितना होगा, है ना, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। क्लियर। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने से पहले एक अजुम्पशन लेंगे। अजुम्पशन क्या होगा कि ये जो फ्लो जो हो रहा होगा वाटर और एयर का, ये क्या हो रहा होगा, स्टेडी फ्लो में होगा, है ना। क्योंकि तभी हम है सो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। क्योंकि अगर स्टेडी नहीं होता तो कुछ और इन्फॉर्मेशन होता अंदर में क्या हो रहा है इसका, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इसलिए हम एज्यूम कर लेंगे कि जो फ्लो जो हो रहा होगा फ्लूड का, दोनों फ्लूड का वो स्टेडी होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होगी, ना मास चेंज होगा और ना एनर्जी चेंज होगा। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर एनर्जी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हम इसमें यूज़ करना चाहें, और इसको ये जो कूलिंग टावर है इसको एक हम कंट्रोल वॉल्यूम अगर हम एज्यूम कर लें, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी जो अंदर जाएगा उतना ही टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा इससे बाहर आएगा, है ना। दैट मीन्स टोटल एनर्जी एट इनलेट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट। क्लियर। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी इनलेट पे क्या क्या हो सकता है, तो फर्स्ट क्या होगा, ये इंथैल्पी ऑफ एयर प्लस
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट इनलेट एंड इंथैल्पी ऑफ वाटर एट इनलेट एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट इनलेट। क्लियर। सिमिलरली और एक और एनर्जी जो कि अंदर जा रहा है वो क्या हो रहा है, ये पावर है ना, जो ये फैन जो यहाँ लगा हुआ है वो जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है वो भी एक तरीके से कूलिंग टावर में ही यूज़ होगा। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस टू मतलब डब्लू डॉट। क्लियर। सिमिलरली टोटल एनर्जी एट आउटलेट क्या हो जाएगा, सेम लॉजिक से फॉर एयर के लिए क्या हो जाएगा, इनथैल्पी ऑफ एयर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर। इसी तरीके से वाटर के केस में क्या हो जाएगा, इनथैल्पी ऑफ वाटर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, और दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। क्लियर। तो देखते हैं कि इक्वेशन हमारा क्या आता है, और जो इक्वेशन आएगा उससे क्या कहा जाता है, टेक्निकल लैंग्वेज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है ना। और जो इक्वेशन जो है वो उससे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग क्या होगा, जितना एनर्जी सिस्टम में अंदर जाएगा उतना ही एनर्जी सिस्टम से बाहर आएगा। अब कौन कौन सा एनर्जी होगा वो बात की बात है ना, लेकिन जो बेसिक जो मास्टर फॉर्मूला जो है या मास्टर कॉन्सेप्ट जो है ये ओपन सिस्टम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो यही है ना। अगर फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर और नोटिस करेंगे क्योंकि ये हीट का जो फ्लो है वो ज़ीरो होगा है ना, क्योंकि इंसुलेटिंग इंसुलेटेड है, मतलब इसका जो कंट्रोल वॉल्यूम का जो कंट्रोल सरफेस जो होगा, जो बाउंड्री होगा वो हम एज्यूम कर लेंगे क्या कि वो एडियाबेटिक है ना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन। क्लियर। तो देखते हैं कि इक्वेशन क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे एज्यूम्पशन हम क्या लेंगे, फ्लो ऑफ फ्लूड्स मीन्स वाटर एंड एयर, वाटर एंड एयर इज स्टेडी। क्लियर। सो नाउ फॉर द कूलिंग टावर एज ए कंट्रोल वॉल्यूम है ना, फॉर द कूलिंग टावर एज ए कंट्रोल वॉल्यूम क्या इक्वेशन हो जाएगा, फ्रॉम कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, ये क्या होगा, मतलब टोटल एनर्जी एट इनलेट मीन्स ई इन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट आउटलेट मीन्स ई आउट। क्लियर। और टोटल एनर्जी एट इनलेट क्या हो जाएगा, रेट के फॉर्म में हम लेंगे है ना, टाइम रेट। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, एच वन ए फॉर एयर पहले लेते हैं, उसके बाद एम वन ए सी वन ए स्क्वायर अपॉन टू होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर प्लस एम डॉट यहाँ पे एम ए है, एम ए जेड जेड वन ए, ये हो गया किसके लिए, एयर के लिए, प्लस एच वन डब्लू डॉट प्लस एम डॉट डब्लू सी वन डब्लू स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डॉट डब्लू जी जेड वन डब्लू, ये हो गया फॉर वाटर और ये हो गया फॉर टोटल एयर, और प्लस यहाँ पे प्लस
पावर एब्जॉर्ब बाई द सर्कुलेटिंग फैन, ये हो गया टोटल इनर्जी जो कि अंदर की ओर जा रहा होगा, सिस्टम में फ्लो हो रहा होगा फ्रॉम सराउंडिंग। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल इनर्जी एट आउटलेट क्या हो जाएगा फॉर एयर पहले, तो एच टू ए प्लस एम डॉट ए सी टू ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डॉट ए जी जेड टू ए, ये हो गया फॉर एयर। और सिमिलरली वाटर के लिए क्या हो जाएगा, एच टू डब्लू प्लस एम डॉट डब्लू सी टू डब्लू स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डॉट डब्लू जी जेड टू डब्लू, ये हो जाएगा है ना टोटल वाटर के लिए और ये टोटल एयर के लिए। क्लियर है ना, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मास्टर फॉर्मूला जो है वो हमें ये याद रखनी है ना, ये एक एक फॉर्मूला याद रखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, अब क्या होगा, सो अब एच वन डॉट ए जो है उसे हम क्या लिख सकते हैं, एम डॉट ए सी पी ए टी वन ए, ये लिख सकते हैं प्लस उसके बाद एम डॉट ए सी वन ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डॉट ए जी जेड वन ए प्लस वाटर के केस में क्या हो जाएगा, एम डब्लू एम डॉट डब्लू सी पी डब्लू टी वन डब्लू प्लस एम डॉट डब्लू सी वन डब्लू स्क्वायर अपॉन टू प्लस एम डॉट डब्लू जी जेड वन डब्लू, ये हो गया फॉर वाटर प्लस पावर इनपुट। क्लियर, ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टू ए मीन्स एम डॉट ए सी पी ए टी टू ए हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पर एम डॉट ए सी टू ए स्क्वायर अपॉन टू होगा प्लस एम डॉट ए जी जेड टू ए, ये हो गया फॉर एयर एट आउटलेट प्लस एम डॉट डब्लू सी पी टी टू डब्ल्यू, ये हो जाएगा फॉर एच टू ए है ना रेट, यहाँ मास फ्लो रेट लेंगे। क्लियर, प्लस इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा इक्वेशन है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट आउटलेट क्या हो जाएगा, एम डॉट डब्ल्यू सी टू डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम डॉट डब्ल्यू जी जेड टू डब्ल्यू, ये हो गया। क्लियर, अब यहाँ पे एम डॉट ए की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है ना, और एम डॉट डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो दी हुई है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। क्लियर, तो हम क्या करते हैं कि इस एम डॉट ए का जो भी टर्म उसको हम एक तरफ ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद फिर है सो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वो जो रिलेशन है वो निकल करके आएगा, फिर कुछ कॉमन हम लेंगे तो वो क्या आएगा, एम डॉट ए सी पी ए टी वन ए माइनस टी टू ए प्लस सी वन ए स्क्वायर माइनस सी टू ए स्क्वायर अपॉन
टू क्लियर प्लस जी जेड वन ए माइनस जेड टू ए क्लियर प्लस ये होगा। उसके बाद इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एम डॉट डब्लू, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी पी डब्लू टी टू डब्लू माइनस टी वन डब्लू, ये होगा प्लस सी टू डब्लू स्क्वायर माइनस सी वन डब्लू स्क्वायर अपॉन टू, ये होगा है ना प्लस जी जेड टू डब्लू माइनस जेड वन डब्लू, ये होगा साथ ही साथ माइनस डब्लू डॉट, क्लियर है ना। ये जो डब्लू डॉट जो है इसको जो इधर लाएंगे तो ये माइनस होगा, क्लियर। अब हम यहाँ पे जो भी हमारे पास नोन वैल्यूज हैं उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम डॉट ए 1.005 इज इक्वल टू 30 माइनस 70 प्लस ट्वेंटी स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर अपॉन टू इंटू, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये किलो जूल में है ना, तो इसको भी हम किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से 1000 से डिवाइड करेंगे है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में कहीं कभी ये मिस हो जाता है माइंड से है ना, तो वो मिस्टेक हो जाएगा। इसी तरीके से 9.81 जी की वैल्यू और ये 0.8 ये क्या होगा 1 माइनस 7 और यहाँ पे भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे है ना, क्योंकि इससे भी हमें किलो जूल में कन्वर्ट करनी है, क्लियर। अब नाउ एम डॉट डब्लू का मतलब वो इन्फॉर्मेशन दिया, वन दिया हुआ है ना केजी पर सेकंड, सो 4.187 50 माइनस 80 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1000 क्लियर प्लस 9.81 और ये 0.8 माइनस 8 अपॉन ये 1000 होगा और ये माइनस डब्लू डॉट 2.25, ये जब पुट करेंगे सारे नोन वैल्यूज को तो ये इक्वेशन आएगा। यहाँ से इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -40.2, इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा प्लस माइनस 0.058। सॉरी, ये इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तब ये आएगा है ना, वो माय मिस्टेक हो गया। सिमिलरली इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -0.25। इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा, इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा, क्लियर। इज इक्वल टू इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -125.61। उसके बाद फिर जब इसको सॉल्व करेंगे
सॉरी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -0.004। फिर इस टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा -0.070632 एंड -2.25। क्लियर। अब इस सभी को जब कैलकुलेटर से टोटल को जब सॉल्व करेंगे तो एम डॉट ए इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3.158 किलोग्राम पर सेकंड, है ना। तो इसको हम जो बुक में दिया हुआ 3.16 शायद दिया हुआ है, तो उसको हम ये लिख सकते हैं 3.16 किलोग्राम पर सेकंड, है ना। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मास फ्लो रेट ऑफ वाटर 1 किलोग्राम पर सेकेंड है तो उसके लिए जो एयर का जो फ्लो है वो 3.16 किलोग्राम पर सेकेंड होनी चाहिए। क्लियर। ये थोड़ा लंबा था इक्वेशन, इसमें थोड़ा टीडियस इक्वेशन बना, और जब ये एग्ज़ाम में आए तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना होगा, है ना, क्योंकि इसमें जो जो इक्वेशंस जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगा वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, तो उसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्लियर। होप कि इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया हो, और अगर किन्हीं को नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर किसी स्टेप में कोई अगर प्रॉब्लम हो तो, है ना। और आंसर यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर ये जो आया है 3.158, ये भी सही है और ये भी सही है ना। राउंडिंग अगर नहीं करेंगे तो भी ये करेक्ट है। क्लियर। थैंक यू।